बिल्कुल ओके है। जो जहाँ पहले देखा था आपने गाड़ी ठंडी पर, तो अभी बिल्कुल ओके है। यहाँ से कोई भी कूलेंट की लीकिंग वगैरह नहीं हुई है। 11 किलोमीटर गाड़ी चला दी है मैंने, टेस्ट ड्राइव ले ली है इसकी, कोई कूलेंट जहाँ बाहर नहीं आया और कूलेंट का लेवल बिल्कुल ओके है। तो नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो? तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो ये अल्टो K10 इंजन पर है। K सीरीज इंजन है ये दोस्तों, K10 गाड़ी है अल्टो। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये गाड़ी ओवरहीट हो रही है, गाड़ी ओवरहीट होने का कारण बना था एक दिन इसका ये हीट वाला पाइप होता है जो फ्रेंड, ठीक है, ये वाला पाइप यहाँ से फट गया था। तो हमने उस दिन काट कर इसको यहाँ फिट कर दिया, जहाँ देखो इसकी जहाँ लोकेशन होती है। तो अब ये यहाँ फिटिंग हो ही नहीं रहे, क्योंकि आगे से इसको काट कर इसको यहाँ लगा दिया था। तो उस दिन के बाद ये गाड़ी ओवरहीट हो रही है, पानी ओवरफ्लो पानी यहाँ से बाहर निकाल रही है, ठीक है फ्रेंड। इधर कोई ज़्यादा बबल्स वगैरह नहीं आ रहे, बट पानी यहाँ से बाहर निकालने लग जाती है जब गाड़ी 20-30 किलोमीटर चल जाती है। इसके ढक्कन भी हमने तीन चेंज करके देख लिए, फिर भी अभी ये वाला ओरिजिनल ढक्कन लगाया है, ये अब फिर भी ये पानी बाहर निकाल रही है। तो ठीक है फ्रेंड, गाड़ी चली भी कुछ कम किलोमीटर ही है, ये देखो 58,692 किलोमीटर चली है टोटल। तो हमने गाड़ी को 3-4 दिन इसको टेस्ट वगैरह भी किया, कस्टमर को दिया गाड़ी, इसका ढक्कन वगैरह चेंज करके दिया, वाल भी इसका थर्मोस्टेट वाल भी हमने निकाल दिया। तो फिर भी ये गाड़ी ओवरहीट हो रही है, गाड़ी पानी बाहर निकालने लग जाती है, कूलेंट टेम्परेचर का कभी कभी निशान आ जाता है, कभी आता नहीं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम है इसका जो कूलेंट बाहर निकाल रही है, ओवरफ्लो कर रही है कूलेंट। तो करके दिखाता हूँ आपको इसको, स्टार्ट गाड़ी को, स्टार्टिंग वगैरह इसकी बिल्कुल ओके है। ठीक है फ्रेंड, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक नंबर चल रही है। तो ढक्कन भी खोलता दिखाता हूँ आपको इसका, गाड़ी बिल्कुल अब ठंडी है, ठीक है। अब देखो गाड़ी बिल्कुल ठंडी थी, इसने ढक्कन को ऊपर उठा दिया, जब ढक्कन खोला ऊपर उठा, प्रेशर बना हुआ था इसमें, तो कोई बबल्स वगैरह नहीं निकाल रही, पानी थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो पानी को इतनी जल्दी ऊपर नहीं आना चाहिए, गाड़ी बिल्कुल ठंडी पड़ी है, बिल्कुल ठंडी है। ये देखो सिलेंडर पर हाथ रखा है, तो ये प्रेशर बना रही है, जहाँ से ओवरफ्लो पानी बाहर निकाल देती है जब गाड़ी 3-4 किलोमीटर चल जाती है। तो अब ढक्कन को लगाता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड। तो दिखाता हूँ कुछ टाइम के बाद इसका ढक्कन खोलता हूँ कुछ टाइम के बाद, ठीक है, 1-2 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर देखिए इसके में बना होगा। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पाउज करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, 1 मिनट हो इसका हो गया, गाड़ी को 1 मिनट के लिए वीडियो को पाउज किया था। तो खोलते हैं इसका ढक्कन, देखना ये प्रेशर बना होगा इसमें, हाँ देखो इसमें प्रेशर बना हुआ था, बट 1 मिनट के लिए बंद किया था, तो फिर भी इसमें प्रेशर बन गया, इतना प्रेशर इसमें बनना नहीं चाहिए, तो ये पानी ऊपर को इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए। तो बाकी आपको दिखाता हूँ गाड़ी गर्म करके, यहाँ से ये ओवरफ्लो सारा पानी इधर को निकाल देती है। ढक्कन इसका 3 बदल के देख लिया हमने, इसका जे वाला कूलेंट वाला पाइप इसका फट गया था, तो हमने एक दिन इसको काट कर यहाँ चढ़ा दिया। तो बट उस दिन से गाड़ी ये पानी ओवरफ्लो बाहर निकाल रही है, गाड़ी ओवरहीट हो गई थी, बहुत ज़्यादा पानी ऊपर फेंक रही थी जब गाड़ी में हमने पानी डाला था। तो अब गाड़ी को मैं थोड़ा सा 20-25 मिनट इसको गर्म करता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ इसकी आगे की वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड। तो करता हूँ इस गाड़ी को गर्म, तो फिर आपको दिखाता हूँ आगे की इसकी वीडियो। तो प्रॉब्लम है इसके हेड गैसकेट में, इसका हम हेड गैसकेट अब चेंज खोलने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। हेड गैसकेट देखेगा इसका कहाँ से इसका सेक लगा है गैसकेट को। तो ठीक है फ्रेंड, तो फुल वीडियो बनाएंगे इसकी डिटेल में, जितनी बना होगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड मैं इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेकर आया हूँ, 2 किलोमीटर की, तो और साथ में घर से चाय भी लेकर आया, मैं कहा चाय भी ले आऊँ और टेस्ट ड्राइव भी, इसकी गाड़ी गर्म हो जाएगी। तो अब दुकान पर चलते हैं गैरेज पर, तो देखते हैं इसका जो कूलेंट का लेवल था वो आपको दिखाता हूँ, अब ऊपर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड, वो देखते हैं। तो दुकान हमारी वहाँ है, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा रोड से हट के है। तो ठीक है फ्रेंड, अब इसका देखेंगे कूलेंट का लेवल जो होता है वो ऊपर को आया है कूलेंट या वहीं है, तो ये कूलेंट बाहर निकालने लग जाती है बोतल से, ये मेन इसकी प्रॉब्लम थी। तो चाय भी आपको पिलाते हैं, ठीक है फ्रेंड, चाय भी मैं क्या साथ में ले आऊँ इसकी घर से, तो टेस्ट ड्राइव भी ले आया इसकी, तो गैरेज पर, ठीक है फ्रेंड, गाड़ी आ गई हमारी गैरेज पर। तो देखते हैं अब इसका लेवल, क्या कट ला बच्चे, क्या कट ला। तो चलते हैं उठाते हैं बोनट इसका,
2-3 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लेकर आया हूँ फ्रेंड इसकी। तो ये देखो फ्रेंड, एक मिनट रार लगा लूँ इसकी बोनट की। तो ये देखो फ्रेंड, इसका लेवल का कूलेंट का लेवल पहले आपने देखा वीडियो के, यहाँ था इसका कूलेंट का लेवल, अब कूलेंट लेवल यहाँ आ गया है। तो ये जब 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल जाती तो कूलेंट बाहर निकालने लग जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम है। ये देखो इसमें बबल्स बन रहे हैं, बबल्स ये बनने नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं ये बबल्स बने हैं, ये बबल्स बनने नहीं चाहिए। ये यहाँ से कूलेंट बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये बबल्स बन रहे हैं, ये देख सकते हैं ये बबल्स बनने नहीं चाहिए फ्रेंड। तो इसका ये इसके हेड गैस्केट को सेक लग गया है, बहुत कम सेक लगा है इसको, थोड़ी सी इसका गैस्केट वगैरह कहीं से लीक हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम भी आपको बतानी होती है, इस करके फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो ही जाता है। तो अब इसका उठाते हैं हेड, उठाते हैं सब कुछ, इसका खोलते हैं आगे ऊपर से टैबलेट कवर, आगे से ऑयल पंप, नीचे से चैम्बर वगैरह खोल कर फिर आपको दिखाते हैं इसका हेड उठाकर। ये देखो फ्रेंड, बबल्स बन रहे हैं, ये बनना नहीं चाहिए। तो करते हैं गाड़ी को ठंडी होने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर अंदर लगाते हैं गैरेज के। ये देखो रेडिएटर का फैन भी चालू हो रहा है। चलो करते हैं गाड़ी को बंद, ठंडी होने देते हैं फिर खोलते हैं इसको। तो फ्रेंड, अल्टो का जो हेड गैसकेट हेड था वो हमने इसका फेस करवा के ले आंदा है, ठीक है फ्रेंड। ये देखो, और इसके पार्ट भी थोड़े बहुत क्लीन कर ले हमने इसके, ठीक है। तो ये देखो 3 नंबर से यहाँ से इसका थोड़ा सा नॉर्मल सा गैसकेट लीक हुआ था, काले निशान के मार्क बने हुए थे, यहाँ से आपने देखा बहुत ही नॉर्मल था, और पानी भी नॉर्मल बाहर निकाल रही थी, बट ज़्यादा चलने पर पानी ओवरफ्लो कर देती थी बोतल में, तो नॉर्मल गैसकेट लीक था। तो ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा बबल्स आने शुरू हो जाने थे उसके बोतल में, तो बट नॉर्मल था। तो जहाँ से था आपने देखा ये वीडियो में, तो अब ये देखो इसका पूरा हमने इसका हेड का फेस करवा लिया है। तो ठीक है, इसको वॉश भी कर लिया है डीजल से मार के पानी से। तो अब इसको करने जा रहे हैं फिटिंग। तो इसका स्पेयर पार्ट भी आ गया है फ्रेंड, ठीक है। इसका स्पेयर पार्ट ये रहा, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा इसका ओरिजिनल इसका गैसकेट, रेट इसका दुकानदार ने मटा दिया है, ठीक है फ्रेंड। दुकानदार ऐसा ही करते हैं, रेट मटा देते हैं। ये 700 रुपये का गैसकेट मिला है, ठीक है फ्रेंड। और इसका जो कूलेंट वाला पाइप था
वो भी ये देखो जी, जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट हुई है, ये फट गया था यहाँ से, तो ये भी पैप हमने नया ले आंदा है। और इसका ये क्रैंक की सील है एक, और ये इसका एक RTV है ट्यूब, और इसका ये एक कूलेंट वाला रेडिएटर वाला पाइप है, और ये एक इसका थर्मोस्टेट वाल है। ठीक है फ्रेंड, ये भी हम नया डालने वाले हैं। तो ये ओरिजिनल MGP का मिल गया है, इसका भी रेट 360 रुपये है शायद, नीचे लिखा आ रहा है। तो ये भी हम नया ओरिजिनल डालेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, तो ये इसका थर्मोस्टेट वाल। तो इसका टोटल खर्चा फ्रेंड, इसका जो हेड का फीस लगवा के और इसका स्पेयर पार्ट लगे 2500 रुपया खर्चा आया इसका। ठीक है फ्रेंड, 2500 लगाया फीस करवा के और ये स्पेयर पार्ट आकर, तो गाड़ी वाला करवा के लेकर आया खुद। ठीक है, तो अब इसको करते हैं फिट, हेड का फीस बिल्कुल ओके हो गया है, तो इसको पूरा अच्छी तरह से अब गाड़ी का उसके उस तरफ ब्लॉक का फेस पूरी तरह से साफ करके तो इसको रखते हैं हेड। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे इसको, गाड़ी को ओवर गर्म करके फिर देखेंगे इसका ये पानी कूलेंट बाहर निकाल रही है या नहीं निकाल। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो लो भाई फ्रेंड, फेस का इसका पूरी तरह से साफ कर लिया है, ब्लॉक का फेस जहाँ से ये गैसकेट लीक हुआ था, तो अब रखते हैं इसका हेड गैसकेट। तो ये रहा इसका ओरिजिनल गैसकेट। तो ये तो जो इसका ऑयल गैलरी वाला होल है इसका, तो पिस्टन नीचे घुमा ली थोड़ा सा घूमूंगा। चलो तो ठीक है फ्रेंड, चलो चलो बस ओके है, तो उधर से फेस का पूरी तरह साफ। हाँ ले आओ, तो फ्रंट बोल्ट इसके टाइट हो गए हेड के, 12 नंबर का बोल्ट भी टाइट हो गया। अब लगाते हैं इसकी टैपट कैप, तो टैपट कैप में हमने 1, 2 नंबर, 3 नंबर सब कुछ लिख के रख लिया था, नंबर वाइज लगा देने हैं, कोई टैपट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी कैप लगाते हैं, कैपों में पर्ची डाली हुई है, एग्जास्ट वाले इनटेक वाले कैप। तो ठीक है फ्रेंड, तो तो हाँ जी फ्रेंड, गाड़ी मेरे लड़के लोगों ने फिट कर दी है, बड़े ब्रदर ने गाड़ी को फिट कर दिया, तो मुझे कहीं अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ गया, इस करके इसका इंजन का टेबल वगैरह मैं आपको दिखा पाया। और काफी इसकी अब फिटिंग रहती है, स्टार्ट गाड़ी हो गई है, स्टार्टिंग 1 नंबर हुई है गाड़ी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बाकी इसकी काफी अभी फिटिंग रहती है, रेडिएटर वगैरह लगने वाला रहता है। तो अब आपको इसकी मार्केट दिखाते हैं, इसकी सेल्फ। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे फैमिली के साथ अब कहीं जाना पड़ गया था, इस करके बाकी की वीडियो इंजन टाइमिंग वगैरह चैन की वीडियो दिखा नहीं पाया। ठीक है फ्रेंड, सॉरी। तो दिखाते हैं, मारते हैं सेल्फ इसकी।
तो ठीक है फ्रेंड, करते हैं गाड़ी को बंद, फिर आप इसका लगाते हैं रेडिएटर। रेडिएटर भी आपको मैं दिखाता हूँ, रेडिएटर इसका बिल्कुल न्यू बना दिया रेडिएटर ने। ये देखो, पहले बहुत ज्यादा गंदा था, देखो कितना चमक रहा है रेडिएटर, बिल्कुल न्यू बन गया। तो बहुत ज्यादा सफाई कर दी है रेडिएटर वाले। तो ठीक है फ्रेंड, रेडिएटर को करते हैं फिट, फिर दिखाते हैं आपको इसकी आगे की वीडियो जो बबल्स बन रहे थे। तो फ्रेंड, हमने इसका रेडिएटर भी लगा दिया और कूलेंट भी इसमें डाल दिया, बाकी की बेल्टें वगैरह लगा दी है, बाकी इंजन की पूरी मेन फिटिंग हो गई है। तो थोड़ा सा पानी कम है, डालते हैं तो फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो स्टार्ट करके फिर देखते हैं इसको गर्म करके, पानी जो कूलेंट बोतल में पानी कूलेंट ऊपर को आ रहा था धीरे धीरे, वो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसका कूलेंट का लेवल आप चेक कर लो यहाँ तक है, तो फिर करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। बाकी इसका ये वाला पाइप पुराने वाला डालना पड़ा, ये वाला पाइप न्यू वाला बहुत लूज था उसमें, तो ये हमने डाला नहीं, बाद में डाल के नया डाल देंगे इसको। तो करें स्टार्ट भाई, चलो भाई कर दो। ठीक है फ्रेंड, कूलेंट बिल्कुल ओके है। बाकी इसका अब ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन भी इसका बिल्कुल ओके है, तीन ढक्कन पहले बदल के देख लेते, तो अब इसका ढक्कन लगाते हैं। तो अब कूलेंट का लेवल जहां तक है, बाकी गाड़ी को अब करते हैं गर्म, इसका रेडिएटर का फैन भी चालू करेंगे, आपको दिखाते हैं रेडिएटर का फैन भी चालू होता और इसका कूलेंट का लेवल भी दिखाएंगे जो ऊपर को जा रहा था। बाकी इसकी टेस्ट ड्राइव लेकर बाद में चेक करेंगे, जो कूलेंट का लेवल बाहर आ रहा था पानी, यहाँ से बबल्स आना शुरू हो जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो गाड़ी को होने देते हैं गर्म, गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल ओके है, स्टार्टिंग एक नंबर है। तो नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, आज दूसरा दिन है अल्टो, हम कल पूरी फिट करके थे, टेस्ट ड्राइव भी हमने इसकी ले ली है पूरी अच्छी तरह से, बम्पर वगैरह सब कुछ इसका लग गया, तो और कूलेंट लेवल इसका रात थोड़ा सा काम और गाड़ियां आ गई थी बीच में, इस करके बाद में वीडियो बना नहीं पाया। तो गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई है, जो कूलेंट का लेवल ऊपर उठ रहा था वो कूलेंट बिल्कुल अब ओके है, एक जगह रुका खड़ा है कूलेंट बोतल में। तो दिखाता हूँ आपको, अब गाड़ी दूसरा दिन है, गाड़ी ठंडी है। ठीक है फ्रेंड, कूलेंट का लेवल भी आप दिखा दूँ, कल टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का, गाड़ियाँ बीच और आ गई थी। तो ठीक है फ्रेंड, कूलेंट का लेवल ओके है और ये वाला लेवल भी आप देख सकते हैं, ये वाला लेवल भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो कल ही हमने इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले ली थी, मारते स्टार्ट, कूलेंट बोतल वाल ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड, पहले आपने देखा कूलेंट को बाहर निकाल कर फेंक देती थी जब गाड़ी को स्टार्ट करते थे, तब ओके है। तो अब ना इसमें जो जाग बन रही थी, जाग बन रही थी वो भी नहीं बन रही, पहले आपने देखा बहुत ज़्यादा जाग बन रही थी, हमने दो तीन दिन इसको चेक करते रहे तो इसमें जाग ही बन रही थी, तो वो अंदर से गैस कर से एयर लीक हो रही थी ना, इस करके वो जाग बन रही थी, वो अब बिल्कुल ओके है। तो लगाते हैं इसका ढक्कन, तो कूलेंट लेवल आप चेक कर लो। तो अब मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेकर दिखाता हूँ और रेडिएटर का फैन भी चालू करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी का पूरा ओवर हीट करके लेकर आता हूँ, टेस्ट ड्राइव लेकर आता हूँ इसकी, तीन चार किलोमीटर की, दो तीन किलोमीटर की, तो फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो प्रॉब्लम हमारी तरफ से इसकी बिल्कुल ओके हो गई है, तो एक बार आपको भी इसका मैं दिखाता हूँ। पहले आपने देखा बोतल में भी बबल से बन रहे थे, यहाँ से भी बबल से निकलने लग रहे थे कूलेंट, पहले की प्रॉब्लम जब थी कूलेंट पूरा ऊपर आ जाता था, ओवरफ्लो करके कूलेंट यहाँ से बाहर निकाल देती थी। तो ठीक है फ्रेंड, अब कूलेंट लेवल इसका यहाँ है और गाड़ी ठंडी है, गाड़ी को अब गर्म होने देते हैं, इसकी मैं टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो प्रॉब्लम इसकी बिल्कुल ओके हो गई है, बाकी आपको दिखाता हूँ, मैं इसकी लेने जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव। ठीक है फ्रेंड, तो सारा काम इसका एक नंबर हो गया, स्टार्टिंग वगैरह एक नंबर है इसकी। कोई इसमें चेक लाइट नहीं, माल फंक्शन लाइट नहीं, ओके रिपोर्ट है गाड़ी। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो दिखाते हैं आपको इसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। तो पहले तो ये
कूलेंट बाहर निकालने लग जाती थी, बोतल में कूलेंट भरना शुरू हो जाता था, ऊपर ढक्कन से ओवरफ्लो कर देता था कूलेंट, बाहर लीकेज हो जाती थी कूलेंट की। तो ठीक है फ्रेंड, मैं लेता हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव 2-3 किलोमीटर की, तो फिर दिखाता हूँ आपको इसको दुकान पर आकर, ढक्कन इसका बोनट उठाकर, ढक्कन तो नहीं खोलना पड़ेगा, बहुत गाड़ी गर्म होगी इस करके ढक्कन नहीं खोल सकते। उस कूलेंट बोतल में आपको दिखाएंगे इसका जो कूलेंट का लेवल होता है, वहां से इसकी प्रॉब्लम का पता चलता था पहले, वहां से कूलेंट बाहर निकाल देती थी। तो लेता हूँ टेस्ट ड्राइव, रोकता हूँ वीडियो को, पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख लो मीटर में 715 हो गया लास्ट में मीटर, शायद पहले 705 था, तो लगभग मैंने 10 किलोमीटर गाड़ी को शायद चला दिया है, पहले मैंने मीटर पर ध्यान नहीं दिया, शायद 705 किलोमीटर था, वीडियो में देख लेना। तो इस करके चल गई मुझे रास्ते, मेरी बच्ची जो स्कूल जाने वाली थी उसकी बस निकल गई थी, उसको मुझे फिर दोबारा इसी गाड़ी पर छोड़ना पड़ गया। तो इस करके इतनी बड़ी इसकी टेस्ट ड्राइव हो गई है। तो बाकी आपको दिखाता हूँ इसको मैं जाकर दुकान पर, इसका ढक्कन खोलकर, तो गाड़ी पर गाड़ी में ही हूँ तब से मैं चला रहा हूँ, 715 किलोमीटर हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड, बस अब जा रहा हूँ दुकान पर, तो दिखाता हूँ इसका जो कूलेंट का लेवल था वो ऊपर को आया है या बिल्कुल ओके जगह पर है। तो फ्रेंड हम पहुँच गए हैं दुकान पर, तो 11 किलोमीटर शायद गाड़ी चल गई है। तो खोलते हैं इसका बोनट, लगाते हैं बोनट रॉड। तो ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं कूलेंट का लेवल बिल्कुल बिल्कुल ओके है, जो जहाँ पहले देखा था आपने गाड़ी ठंडी पर, तो अभी बिल्कुल ओके है, यहाँ से कोई भी कूलेंट की लीकिंग वगैरह नहीं हुई है। 11 किलोमीटर गाड़ी चला दी है मैंने, टेस्ट ड्राइव ले ली है इसकी, कोई कूलेंट जहाँ बाहर नहीं आया और कूलेंट का लेवल बिल्कुल ओके है। ठीक है फ्रेंड, कूलेंट का लेवल बिल्कुल एक जगह पर है। तो ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन में भी अंदर कोई बबल्स वगैरह नहीं बन रहे। ठीक है फ्रेंड, अंदर कूलेंट बोतल में कोई बबल्स वगैरह नहीं मर रहे और कूलेंट का लेवल बिल्कुल ओके है। तो ठीक है फ्रेंड, ये गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई है। बाकी ये वाला पैप हमने दुकानदार से मंगवाया है, वो उसने पहले खुले वाला बोर का दे दिया था, वो भी हम ये नया डाल के फिर ही गाड़ी कस्टमर को देंगे। ठीक है फ्रेंड, बाकी गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड, बाकी मैंने ओल्ड मॉडल पर, अल्टो पर भी गैसकेट पर वीडियो डाली हुई है ओल्ड मॉडल पर, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल नू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जरिए।